जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पहली बार इंडिया पे इंडिया का 5G फोन जो है लॉन्च कर दिया गया है और आज इस वीडियो में देखेंगे क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलता है, प्राइस कितना रखा गया है और साथ में और दो फोन लॉन्च किया गया है, एक गेमिंग फोन है एक 5G फोन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं इंडिया का पहला जो है मेड इन इंडियन 5G फोन कैसा है, इसका फीचर्स क्या कुछ है और प्राइस कितना रखा है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। उससे पहले अगर आप चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। सबसे पहले बात करेंगे वीवो का गेमिंग फोन के बारे में जो है वीवो V23e जो कि ऑफिशियली लॉन्च हो गया है। यहां पर डिजाइन के बारे में बात करें तो काफी अच्छा है, वीवो का फोन हमेशा देखने में अच्छा रहता है। यहां पर स्लिम सा आपको डिजाइन देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो काफी कुछ अच्छा फीचर्स भी आपको मिलता है, जैसे कि यहां पर आपको 6.44 इंच का एक एमोलेड स्क्रीन आपको देखने को मिलता है जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ है और यहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको मिल जाता है। और साथ में अगर बात करते हैं यहां पर प्रोसेसर का तो गेमिंग प्रोसेसर है, यहां पर आपको मीडियाटेक का लेटेस्ट प्रोसेसर मीडियाटेक हीलियो G96 पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ यहां पर आपको 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है, मतलब रैम और रोम में कमियां नहीं रखा है। इसी के साथ बात करते हैं कैमरा सेंसर का, तो आपको जो है यहां पर कैमरा सेंसर भी काफी अच्छा मिलने वाला है। 64MP प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल रियर कैमरा है और सेल्फी कैमरा आपको काफी जबरदस्त मिलेगा क्योंकि यहां पर 50MP का आपको सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इसी के साथ बैटरी की बात करें तो यहां पर 4050mAh का बैटरी है, 44W का आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ फीचर्स जो है आपको वीवो का ये नया फोन में देखने को मिलता है और ये सारे फीचर्स के साथ इस फोन को अभी वियतनाम में लॉन्च किया गया है। बहुत जल्द ये फोन इंडिया पे भी आ सकता है क्योंकि फीचर्स काफी जबरदस्त है। जब इंडिया पे आएगा तो प्राइस कितना होना चाहिए आप मुझे ये बात कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे आज सुबह मैंने एक अनबॉक्सिंग वाला वीडियो डाला है, आप लोगों ने शायद नहीं देखा है, आई बटन में लिंक होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप वहां से जाकर चेकआउट जरूर कर लेना क्योंकि व्यूज बहुत डाउन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 5G फोन का जो है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग A22s। और इस फोन का डिजाइन के बारे में बात करें तो ये है इस फोन का फर्स्ट लुक जो कि आपके सामने है। डिजाइन मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है, कलर वेरिएंट भी काफी अच्छा है। और यहां पर बात करते हैं अगर फीचर्स का तो सबसे पहले यहां पर 5G प्रोसेसर जो मिलता है वो मीडियाटेक की तरफ से, मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 जो कि सबसे सस्ता वाला 5G प्रोसेसर है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ यहां पर आपको 4GB 64GB दो वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा, 4GB 128GB तो दो वेरिएंट आपको जो है मिल जाएगा। साथ में यहां पर आपको 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा और 8MP का आपको सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। यहां पर FHD प्लस रेजोल्यूशन वाला IPS LCD पैनल आपको मिलने वाला है सैमसंग की तरफ से। साथ में 90Hz का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, 5000mAh बैटरी और साथ में आपको 15W का आपको जो है फास्ट चार्जिंग और टाइप सी का पोर्ट आपको मिलेगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होगा और फेस अनलॉक का सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। और ये सारे फीचर्स के साथ जो है सैमसंग ने इस फोन को अभी फिलहाल रशिया में लॉन्च किया गया है। और दोस्तों मैंने एक सेकंड चैनल बनाया है जो कि यूट्यूब शॉर्ट के रिलेटेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाओ सब्सक्राइब करो और वीडियो मैंने अपलोड किया है वो भी आप चेकआउट कर लेना। बाकी नेक्स्ट फोन जो आता है वो है मेड इन इंडिया लावा फोन। देखिए लावा ने 5G फोन आज इंडिया पे लॉन्च किया गया है, प्राइस मैं आपको बाद में बताता हूँ, यहाँ पर डिजाइन आप देख लीजिए, इससे पहले भी मैं दिखा चुका था। तो यहाँ पर डिजाइन जो है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर FHD प्लस रेजोल्यूशन वाला 6.7 इंच का डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा, साथ में 90Hz का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है आपको गेमिंग प्रोसेसर मिलेगा, साथ में आपको 5G भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 जो कि एक 5G प्रोसेसर है, साथ में आप गेम भी खेल सकते हैं, काफी अच्छा ये वाला प्रोसेसर इस मॉडल में दिया गया है। देखते हैं लावा किस हद तक इसको ऑप्टिमाइज कर पाता है। इसी के साथ यहाँ पर आपको जो है 64MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेंसर मिलेगा, 16 यानी 16MP सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा, 5000mAh बैटरी और यहाँ पर आपको 30W का जो है फास्ट चार्जिंग दिया जाएगा, साथ में आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अगर रैम और इंटरनल स्टोरेज का, 8GB रैम होगा, 128GB इंटरनल स्टोरेज होगा और साथ में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ फीचर्स जो है लावा का पहला 5G फोन में आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ मोबाइल का जो प्राइस रखा है वो रखा है 20,000 मतलब 19,999, अभी फिलहाल डिस्काउंट के साथ जो है 2,000 डिस्काउंट दिया जा रहा है अगर आप प्री रजिस्टर करते हैं। तो गाइस ये था वीडियो, यूट्यूब शॉर्ट का जो चैनल है उसको जरूर से चेकआउट कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। चलिए मिलते हैं और कोई इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।